नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए आपको ले चलते हैं अब जनपद हमीरपुर के राठ कस्बे की तरफ, जहां जरूरतमंदों को सफाई कर्मचारियों ने राशन बांटकर एक नई मिसाल जगाई है। जी हां, कोरोना संक्रमण के दौर में कर्मठता से ड्यूटी निभाने वाले सफाई कर्मचारियों का लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। वहीं सफाई कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी के साथ ही समाज सेवा में भी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। सफाई नायक इंदल सिंह और ज्वाला सिंह के नेतृत्व में कस्बे के आधे से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने अपनी बचत के पैसे इकट्ठा कर राशन खरीदा और रामलीला मैदान में 20 जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। इस खबर पर देखें हमारे यूपी 24 न्यूज के विशेष संवाददाता सीतू की खास रिपोर्ट। जी हां, आज एक बार फिर वाल्मीकि समाज कह लें या इन्हें सफाई के हीरो कहे जाने वालों ने एक बार इस ऐतिहासिक राठ राजा विराट की नगरी में अपना इतिहास दर्ज करा दिया है। इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। जहां एक ओर पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर ये जो सफाई कर्मी है इन्होंने अपनी यूनियन से यहां पे जरूरतमंद 20 लोगों को 5 किलो आटा, 1.5 किलो चावल, दाल, तेल और गृहस्थी का कई सामान यहाँ पे वास्तव में उनको दिया है जो इसके पात्र हैं। निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। हम आप सब जानते हैं कि आखिर एक सफाई कर्मी कितना पैसा कमाता है और उन्होंने कमाए हुए अपने पैसे से थोड़ा थोड़ा पैसा करके उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उनको लगा कि जब सारा देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है तो क्यों ना हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और उन्होंने मदद की। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो सारी तस्वीर दिखाएं जहां पे ये जरूरतमंद बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे उनके पास उनका सामान रखा हुआ है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। दादा, क्या नाम है आपका? श्याम बाबू जी, कैसा लग रहा है आपको ये सामान मिला है? क्या कहना चाहेंगे आप इन सफाई कर्मियों ने जो आपको ये दिया है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अनिश्चित तौर पर और मेरे साथ यूनियन के कुछ लोग हैं, मैं सीधा उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? जीतन। जीतन जी, आपने कितने लोगों को ये राशन दिया है? सर, ये 20 लोगों को उपलब्ध कराया गया है। 20 लोगों को उपलब्ध कराया। क्या क्या दिया है आपने? जिसमें आटा है और चावल है, दाल भी है और तेल है, मसाले है वगैरह, ये सब चीजें हैं। और यह है कि सब तो जूझ ही रहे हैं ऐसी महामारी से, तो थोड़ा बहुत हम भी कर सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बस जी हाँ। और ये थे यूनियन के कुछ सदस्य जिन्होंने भी बताया कि निश्चित तौर पर उनके दिल में भी एक जिज्ञासा जागी कि क्यों ना हम भी मदद करें। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जरूरतमंद है, चाहे कुछ हो, कुछ दिन तक तो इनको पेट में राहत मिलेगी। मैं कैमरामैन अभी के साथ यूपी 24 न्यूज से सीतू सेंगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। बाकी की खास खबरों के लिए बने रहिए यूपी 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।